देखो यार, आज की डेट में अगर वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें ना, इन चीजों का ना ट्रेंड चल रहा है। हर एक कंटेंट क्रिएटर को या फिर हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते हैं ना, हर एक वीडियो को एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डेडिकेटेड बात करूंगा उन लैपटॉप के बारे में जिनके ऊपर हम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। बजट रहेगा 40,000 से लेकर 80,000 तक का। कुछ चीजें हैं जो कि आपने वीडियो एडिटिंग वाले लैपटॉप को बाय करने से पहले ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज है कि एच सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करना है। मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ एच सीरीज वाले लैपटॉप बताऊंगा। हर एक बजट के अंदर सिर्फ एक पी सीरीज वाला लैपटॉप कवर किया है, जो कि 40,000 के बजट के अंदर मिलेगा हमें, क्योंकि उस बजट के अंदर ना हमें एच सीरीज का अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता। जो भी मिलते हैं वो पुराने प्रोसेसर मिलते हैं, उन्हें हमने बाय नहीं करना। नेक्स्ट इज रैम। 16 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 8 GB रैम वाला लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, मेक श्योर कि उसकी रैम एक्सपेंडेबल है एंड लैपटॉप बाय करते ही साथ के साथ आप रैम को एक्सपेंड कर लें। स्टोरेज मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम 512 GB की होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं ना, उसकी फाइल्स बहुत ज्यादा होती है। फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। अगर आपका बजट कम है तो लैपटॉप के अंदर कम से कम GTX 1650 ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ये चीज मिनिमम है। डिस्प्ले की बात करें तो फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप बाय करना हमने, क्योंकि अपना जो ज्यादातर टाइम है ना वो डिस्प्ले के ऊपर ही निकलेगा। 15.6 इंचेस की मिनिमम है। एंड बाइंग डिसीजन के अंदर ना ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैम से ज्यादा अपने सीपीयू एंड जीपीयू, इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रैम तो हम कल को एक्सपेंड कर सकते हैं, बट लैपटॉप बाय कर लिए उसके बाद ना अपना सीपीयू चेंज होना है ना अपना ग्राफिक कार्ड चेंज होना है। तो ये चीज सबसे पहले बढ़िया वाली बाय करो, रैम हम बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ASUS YOBOK 15 लैपटॉप 40,000 रुपए लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है एंड ये इस पीरियड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो ये लैपटॉप टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो ना तो वो चीज भी पॉसिबल है। बहुत ही लाइट एडिटिंग के लिए लैपटॉप यूज हो सकता है, फिल्मोरा जैसे टूल्स चल जाएंगे, एक दो मल्टी लेयर अगर आपने यूज करनी है तो वो चीज भी हो जाती है। एडिटिंग करनी है ना अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कट करके थोड़े बहुत इफेक्ट्स वगैरह करने हैं तो वो चीज इसके ऊपर हो जाएगी। बट इन केस अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D रेंडर वगैरह निकालना चाहते हो ना, तो उन सारे कामों के लिए लैपटॉप मैंने आगे कवर किए हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा पावरफुल लैपटॉप चाहिए। प्रोसेसर को चेक करें तो i3 का प्रोसेसर है 1220p 10 Core 12 Threads वाला। सिंपल चीज है कि 40,000 के बजट के अंदर ना इससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, बिंदास होकर आप 40,000 के अंदर इसे बाय कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर हमें 8 GB की रैम मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। अब जैसे इसके अंदर ना हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, तो रैम से शेड मेमोरी यूज करता है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसके अंदर आपको 16 GB की रैम चाहिए तो आप लैपटॉप के साथ ही रैम को भी ऑर्डर कर देना। साथ में 512 GB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होगी। अब देखो इसके एडिशनल फीचर्स को चेक करें ना, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड। ASUS ने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाई हो चुकी है। तो बिंदास होकर आप इसे बाय करोगे ना, तो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में इसकी जो लाइफ है ना वो ज्यादा रहेगी। 180° की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। इसके बाद डिस्प्ले को चेक करें तो 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, IPS लेवल, 200 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के हर एक लैपटॉप के अंदर हमें मिनिमम चाहिए चाहिए। इंटेल के USD ग्राफिक्स के साथ ही हमें MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 Wh की बैटरी के साथ ही 45W का अडैप्टर, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। ऊपर से लैपटॉप के अंदर हमें बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। सिंपल भाषा में कहूं ना, 40,000 बजट है, आपने थोड़े बहुत हैवी काम करने के लिए लैपटॉप बाय करना, एडिटिंग करना चाहते हो ना, इससे बढ़िया दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो, गो फॉर इट। बजट को थोड़ा सा पुश करते हैं एंड लिनोवो का लैपटॉप चेक करते हैं, IdeaPad Gaming 3 50,000 के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक तो इसके अंदर हमें एच सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है एंड दूसरी चीज है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। देखो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि एच सीरीज का प्रोसेसर बाय करना है, इसका मतलब क्या एक्चुअल में? देखो 3 सीरीज के अंदर आपको प्रोसेसर इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, UP और H। एच सीरीज वाले प्रोसेसर बने होते हैंवी काम करने के लिए, गेमिंग प्रोसेसर होते हैं। अगर आपने थोड़े बहुत भी हैवी काम करने है ना, फिर आपको एच सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करना चाहिए। उससे कम हैवी काम कर सकते हैं पी सीरीज के ऊपर, मतलब कि मीडियम लेवल तक की एडिटिंग, मीडियम लेवल तक के काम अपने पी सीरीज का प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर लेता है। एंड सबसे लाइट काम करने के लिए बने होते हैं यू सीरीज के प्रोसेसर। इनके ऊपर ना तो अपनी गेमिंग होती है एंड ना ही अपनी एडिटिंग होती है, ये बिल्कुल ही बेसिक काम करने के लिए बने होते हैं। बट इसका जो बैटरी बैकअप है ना, वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको यू सीरीज के प्रोसेसर के अंदर। एंड बैटरी बैकअप वैसे वैसे कम होता रहेगा जैसे जैसे प्रोसेसर की सीरीज हाई होती रहती है। यू का सबसे अच्छा बैटरी बैकअप है, पी का उससे कम एंड एच का सबसे कम। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। 48,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर भी हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। राइजन 5 प्रोसेसर है, 5500H, 6 Core 12 Threads वाला। 8 GB की रैम है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB। 512 GB की SSD, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में। 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 nits की ब्राइटनेस के साथ। RTX 2050 ग्राफिक
कार्ड है 4GB का, DGB 50 वॉट्स है, मतलब कि अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ना 48,000 के अंदर आपको RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, टोटली जस्टिफाइड है। 45 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही लैपटॉप के अंदर हमें रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती है, RJ45 ईथरनेट पोर्ट होगी, HDMI 2.0, 3.5 mm जैक, USB-C 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाती है, USB-A 3.2 Gen 1, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर हमें 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है एंड साथ में प्राइवेसी प्रोटेक्शन विद ई कैमरा शटर, तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है ना, गो फॉर इट, परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं ASUS TUF F15 लैपटॉप की। इसका जो प्राइस है ना, ये आ जाएगा 50,000 से 60,000 के बीच में, 54,000 से लेके 58,000 तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता रहता है एंड इस बजट का सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप है हैंड्स डाउन। देखो इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना मार्केट के अंदर, उन सबके कंपैरिजन में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है एंड इसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें जो लैपटॉप मिल जाते हैं ना सेम बजट के अंदर, वो हमें मिलते हैं थिन एंड लाइट सीरीज के, बट वो बने होते हैं प्रोफेशनल काम करने के लिए, उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो अपनी एडिटिंग उसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, इंटेल का प्रोसेसर है i5 11400H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होगी। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, अच्छी डिस्प्ले 250Nits की ब्राइटनेस के साथ मिल जाती है। NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा लैपटॉप में, TGP 70 वॉट्स है विद डायनामिक बूस्ट, 48 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 150W का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में एंड इसके अंदर हमें 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाती है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, HDMI 2.0, 3.5 mm जैक एंड साथ में सिंगल जोन RGB कीबोर्ड दिया गया, तो ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसे जरूर कंसीडर करो, गो फॉर इट। बात करते हैं 60,000 से 70,000 के बजट की। लेनोवो का लैपटॉप है IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 63,000 रुपीज, कभी कभी इसका प्राइस 65,000 तक चले जाता है, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे फिर ये 60,000 के अंदर भी आपको मिल जाएगा। हार्ड प्लास्टिक की बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इस लैपटॉप की, राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया 6600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला एंड इसके अंदर जो हमें रैम मिल जाती है ना वो लेटेस्ट रैम है, DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली 16GB की विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, साथ में 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, तो ये दोनों चीजें एक तो लेटेस्ट होगी एंड दूसरी चीज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, साथ में इसका प्रोसेसर भी लेटेस्ट है। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 250Nits की ब्राइटनेस, NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 4GB का, TGP 85 वॉट्स है, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 60W की बैटरी के साथ ही 170W का अडैप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में, अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, 4 जोन RGB कीबोर्ड हो गया, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ गेमिंग पास हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी लैपटॉप के अंदर दिया गया। उसके बाद जो पोर्ट्स का सेक्शन है उसको चेक करें तो ईथरनेट पोर्ट, डुअल 3.5 mm जैक, HDMI 2.0, एक USB टाइप सी, 2 USB टाइप ए, ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपका बजट 63 से लेकर 65,000 तक है ना, ये लैपटॉप आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 70 से 80,000 के लैपटॉप्स को चेक करें तो सबसे पहला बढ़िया लैपटॉप रहेगा Acer का Naito V गेमिंग लैपटॉप। इसके अंदर हमें लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया एंड साथ में RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 79,000 रुपीज, लेकिन करंटली इसका प्राइस थोड़ा कम चल रहा है, 77,000 रुपीज है एंड सेल के अंदर तो लैपटॉप 73,000 में भी सेल हुआ था। तो अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हो ना, तो आपको यही वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए क्योंकि RTX 4050 मिल रहा है हमें इसके अंदर। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर, वो भी H सीरीज वाला, 13 420H, 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब ये जो Gen 4 SSD होती है ना, देखो ये लेटेस्ट SSD है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू इट्स ओल्ड जनरेशन। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB, 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा RTX 4050, TGP 75 वॉट्स है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, तगड़ा ग्राफिक कार्ड है, 57 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में, 3 USB टाइप ए, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, HDMI ईथरनेट, 3.5 mm जैक, ये सारी पोर्ट्स एंड साथ में बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, बढ़िया लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसीडर करो, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए, गो फॉर इट। अब बात करते हैं HP के लैपटॉप की, विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 84,000 रुपीज करंट प्राइस है इसका, लेकिन टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना वो i5 का 13 जनरेशन है, 13500H। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, सबसे तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है एंड इसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, 3200MHz वाली, एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी रैम, मैक्सिमम लैपटॉप 16GB को ही सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। Gen 4 SSD है 512GB की, लेटेस्ट होगी ये, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है, 250Nits की ब्राइटनेस, डिस्प्ले काफी बढ़िया प्योरली गेमिंग डिस्प्ले इसके अंदर लैपटॉप में। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 6GB का, लेकिन इसकी TGP ज्यादा है, 120W TGP वाला, जिसका सीधा
सा मतलब है कि ज्यादा तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में। एमएस ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 70 वॉट आवर्स के बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा, एक यूएसबी टाइप ए, दूसरी यूएसबी टाइप ए जो कि एचपी स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करती है, एंड उसी के साथ टाइप सी पोर्ट मिल जाती है जो कि डिस्प्ले पोर्ट का भी काम करती है। एचडीएमआई 2.1 के साथ ही इथरनेट पोर्ट है और उसी के साथ ही 3.5mm का कॉम्बो दिया गया। एंड ये बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट 85,000 के आसपास है ना, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए मार्केट के अंदर यही वाला है। देखो सारे लैपटॉप जितने मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ना, बेस्ट बाय लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने ना सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने अपना बजट डिसाइड करना है। आफ्टर डिसाइडिंग योर बजट, सिंपल चीज है, जो भी लैपटॉप मैंने आपको उस बजट के अंदर बताया ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। उससे बढ़िया लैपटॉप आपको नहीं मिलने वाले मार्केट के अंदर, हैंड्स डाउन। परफॉर्मेंस की बजट के अकॉर्डिंग फुल गारंटी है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।